बिलाल भाई जरा पानी दीजिएगा। ये लीजिए अहमद रजा भाई। जजाक अल्लाह खैरा। प्यारे इस्लामी भाई, कभी भी कोई चीज किताबों पर नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये अदब के खिलाफ है। अगर ये आदत बन गई तो फिर कल को हम इस्लामी कुतुब का भी ख्याल ना रख सकेंगे। शुक्रिया, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और इस पर दूसरों को भी अमल की तरगीब दिलाऊंगा। और जितना हो सके शुक्रिया के बजाय जजाक अल्लाह खैरा कहने की आदत बनाए। जी जरूर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये भी बताने के लिए जजाक अल्लाह खैरा। अब मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غلام رسول كمدني فول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. आप कैसे हैं फैजान भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुलाम रसूल भाई। प्यारे इस्लामी भाई, एक बात अर्ज करूँ? जी जी जरूर। अगर हाल पूछने पर जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह कुल हाल कहा जाए तो यह बहुत बेहतर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर हाल में अल्लाह रब्बिल आलमीन का शुक्र है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छे अल्फाज हैं। मैं नियत करता हूँ आइंदा यही जवाब दूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غلام رسول غلام رسول.